आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है भाई लाखों चलेगी, लाखों यानी 1.5 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट नहीं जाने वाली सालों साल। को बिना दबाए ठीक है गियर लीवर में फर्स्ट गियर डालना है। ये देखो आपको कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट है वो खराब हो गई है, तो उन्होंने हमें तो हे गाइस सभी भाइयों को राम राम सलाम नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और एक नए वीडियो में, शुभम नित्या ब्लॉग के एक और एक नए इन्फॉर्मेशन टाटा नैनो के इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लच प्लेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपनी क्लच प्लेट के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्लच प्लेट का नैनो के साथ क्या सीन रहता है। भाई मेरे बहुत से कुछ नए भाई हैं जिन्होंने अभी टाटा नैनो ली है, ठीक है, हाल ही में उन्होंने परचेज करी है पुरानी सेकेंड हैंड कार, तो उन लोगों के मेरे पास मैसेज और फोन कॉल आए थे कि भाई अपनी टाटा नैनो की क्लच प्लेट बैठ गई, ठीक है, तो क्लच प्लेट अभी ये कैसे होगी, क्या इतनी जल्दी क्लच प्लेट बैठ जाती है। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उनके सवालों के जवाब मैं आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा, ठीक है। और भाई मैं आपको बताऊंगा कि टाटा नैनो की क्लच प्लेट कैसे खराब होती है और कब खराब होती है, और हम कैसे गाड़ी चलाएंगे जो वो गाड़ी खराब, टाटा नैनो की क्लच प्लेट खराब होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और हम एक आपको ट्रिप और ट्रिक्स ट्रिप बताएंगे कि जिससे आपकी टाटा नैनो की जो क्लच प्लेट है भाई 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक चलेगी, यानी कि सालों साल आपकी क्लच प्लेट चलने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो को जरा सा स्किप मत करना भाई लोग, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो भाई भूल जाओगे कि आप नहीं देख पाओगे वो पार्ट जिस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि वीडियो में कि टाटा नैनो की क्लच प्लेट को हमें कैसे सही करना है। तो भाइयों आज हम आपको बताएंगे कि टाटा नैनो अपनी वजह से अगर अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो गाड़ी का हमें कैसे चेक करना है कि इस गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो गई है, तो वो मैं सारे आपको रीजन बताऊंगा कि गाड़ी को कैसे चेक करना है गाड़ी क्लच प्लेट खराब हो गई है और हमें कैसे यूज करना है, वो हमें सारा जानकारी आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था मेरे भाई के पास एक भाई का फोन आया था कि भाई आपकी मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो गई, तो मैंने उनको बताया था भाई आपको कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट है वो खराब हो गई है, तो उन्होंने हमें बताया शिवम भाई कि हम जैसे गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो भाई जब बिल्कुल ही क्लच मतलब ऊपर आ जाता है, बिल्कुल क्लच ऊपर आ जाता है तब गाड़ी हमारी चलती है। तो भाई मैं ये आपको बताना चाहूं तो ये कोई खराबी नहीं है अपनी गाड़ी की ये, तो भाई मैंने उनको बताया कि भाई ये चीज नेचुरल है, ये अपनी टाटा नैनो में ऐसी कोई बात नहीं है कि अपनी टाटा नैनो की क्लच प्लेट खराब हो गई। तो भाई मैंने उनको बताया कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने बताया जो अपना क्लच प्लेट होता है भाई कोई प्रेशर क्लच प्लेट नहीं है, ये एक वायर क्लच प्लेट है, ठीक है, और इसका हालांकि गाड़ी का जो इंजन होता है वो पीछे होता है, ठीक है, तो जो वायर होती है क्लच प्लेट की वायर होती है वो काफी पीछे होने जाने के बाद जो प्रेशर पॉइंट होता है उतना नहीं दब पाता है, इसलिए अपनी जो गाड़ी की क्लच प्लेट है वो थोड़ी लेट रिलीज होती है। तो दोस्तों इसलिए जब अपना गाड़ी का 90% से ज्यादा 90% का करीब क्लच अपने ऊपर आ जाता है तब अपनी गाड़ी रिलीज होती है, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि अपनी गाड़ी कैसे रिलीज हो रही है। देखो मैंने अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रखी है और मैंने क्लच देख रहा, आप क्लच देख पा रहे होंगे, तो पूरा का पूरा अंदर की क्लच क्लच जा रहा है, पूरा प्रेस हो रहा है। अब मैं आपको मैं गाड़ी चला के दिखाऊंगा आपको कि गाड़ी में कितने मतलब क्लच में गाड़ी रिलीज हो रही है। तो मैंने ये डाला फर्स्ट गियर, ठीक है, और अब मैं धीरे धीरे इसको रेस दे रहा हूँ। तो देखो ये पैर उठा और ये जब अपना 90% क्लच उठ गया, ठीक है, तब ये गाड़ी अपनी आगे बढ़ रही है। ये देखो तब अपनी गाड़ी आगे बढ़ रही है और क्लच मैंने 90% उठा चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अपनी गाड़ी का जो क्लच है वो नेचुरल है, वो इसी तरीके से काम करता है, लंबा लेता है ये क्लच, तो आपको इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं कि आपकी गाड़ी क्लच प्लेट खराब हुई है आपकी गाड़ी। तो दोस्तों देखा आपने अपनी जो क्लच प्लेट है वो 90% क्लच है वो 90% के बाद ही उठता है, तो भाई इससे अपन को अंदाज ये नहीं लगाना है कि अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो चुकी है ना। तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, वो रीजन भाई ये होता है कि जो अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट होती है यानी कि जो क्लच होता है वो अपना कोई प्रेशर क्लच नहीं है, ये कि वायर क्लच है, जो कि ये यहाँ से क्लच से जाकर पीछे जो अपनी असल में क्या है कि अपनी गाड़ी में जो इंजन होता है वो पीछे होता है, तो वो वायर वो पूरा पीछे जाता है, तो वो क्या होता है वो उसमें दूरी हो जाती है लंबी, तो जो प्रेशर पॉइंट हो जाता है वो सही से मतलब ज्यादा प्रेस नहीं हो पाता, इसलिए ये थोड़ी क्लच है ना वो लेट उठती है। तो इसलिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपकी क्लच प्लेट खराब नहीं हुई है, इस बात का आप अंदाजा आपको आसानी से लग सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपकी क्लच प्लेट का खराब ना होने का कारण, मैंने बता दिया कि भाई इससे आपकी क्लच प्लेट खराब नहीं होती। अब हमें ये कैसे पता करना है कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो चुकी है, ये हम कैसे जानेंगे।
तो दोस्तों इसके भी कुछ नियम है, इसके नियम में कुछ मैं आपको बताता हूँ हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है। ये करी मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट और हमें अपना जो गियर लीवर है करना है, ठीक है। अभी गाड़ी हमारी न्यूट्रल हो गई और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमें जो अपना क्लच है ना, ये क्लच आपको दिख रहा है, क्लच को बिना दबाए, ठीक है, गियर लीवर में फर्स्ट गियर डालना है। ये देखो नहीं डल रहा ना। अगर आपकी गाड़ी में बिना क्लच दबाए गियर नहीं डल रहा है तो आपकी क्लच प्लेट खराब नहीं है। वही अगर आपकी गाड़ी में बिना क्लच दबाए अगर गियर डल रहा है तो भाई आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो गियर डल ही जाएगा, लेकिन वो एक सेफ तरीका नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में स्मूथली अगर आप गियर डाल रहे हैं बिना क्लच दबाए और नहीं डल रहा है, ठीक है, जबरदस्ती करेंगे तब तो डल ही जाएगा, तो भाई आपकी क्लच प्लेट में कोई कमी नहीं है, आपकी क्लच प्लेट सही है। अगर गियर डल रहा है तो आपकी क्लच प्लेट में कमी आ सकती है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों दूसरा तरीका होता है चेक करने का, जैसे कि हमने गाड़ी अपनी स्टार्ट करी और गाड़ी को हमने फर्स्ट गियर लगाया और फर्स्ट गियर हमने गाड़ी जैसे ही रिलीज करी तो गाड़ी हमारी जर्क ले रही है, यानी झटके ले रही है। अगर झटके गाड़ी हमारी ले रही है तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है हमारी क्लच प्लेट खराब होने वाली है, और ये भी तरीका है गाड़ी की क्लच प्लेट को चेक करने का। तो दोस्तों ये तो हो गया दूसरा तरीका। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ कि हमें कैसे पता करें कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट जा चुकी है। तो वो तीसरा तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो दोस्तों तीसरा होता है कारण ये होता है, जैसे मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं और टॉप गियर डाल रखा है अपने गाड़ी में अपनी, यानी चौथा गियर डाल रखा है, और आपकी गाड़ी है जो कि वो स्ट्रगल कर रही है, यानी कि चल नहीं रही है, मतलब आपकी चौथे जो गियर में गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए वो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, और मतलब वेट कर रही है, स्ट्रगल कर रही है गाड़ी। जैसे किसी चढ़ाई पे अगर आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ाई पे आपकी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, प्रेस मतलब पिकअप नहीं बना पा रही है गाड़ी, ये एक्सीलेटर पूरा घूम रहा है लेकिन गाड़ी आपकी नहीं चढ़ पा रही, तो भाई ये भी तरीका, ये भी एक कारण होता है कि आपकी क्लच प्लेट जा चुकी है। ये तो डेफिनेटली आपकी जा चुकी है। अगर आपका आरपीएम खूब जा रहा है लेकिन आपकी गाड़ी नहीं बढ़ रही है आगे, आपकी स्पीड खूब है, मतलब स्पीड आप रेस दे रहे हैं गाड़ी की लेकिन गाड़ी मूव नहीं हो रही, थोड़ा लेट हो रही है, लेट पिकअप बना रही है, इसमें होता क्या है कि क्लच चिपक के चलती है प्लेटें, वो राउंड नहीं बना पाती हैं उतना, इसलिए ये कारण भी हो सकता है गाड़ी के क्लच प्लेट खराब होने का। और दोस्तों एक रीजन ये भी होता है, कुछ लोगों की आदत होती है हाफ क्लच पे गाड़ी चलाने की। भाई हाफ क्लच पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हाफ क्लच पे लोगों को जब ज्यादा इमरजेंसी हो तब आप चलाओ, हाफ क्लच से भी गाड़ी हमारी का क्लच प्लेट चला जाता है। अगर हाफ क्लच लगा के चलोगे ना तो गाड़ी क्लच तो दबा हुआ है ना, इंजन घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वो उससे भी गाड़ी आपकी क्लच प्लेट चली जाती है, तो इस बात का भी भाई आप लोग ध्यान रखो। दोस्तों ये तो हो गया अपनी क्लच प्लेट के, कैसे अपनी क्लच प्लेट को चेक करना है, क्लच अपनी खराब हुई है नहीं हुई है, और ठीक है, और क्या क्या कमियां आती हैं, तो ये कैसे आती हैं ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है भाई लाखों चलेगी, लाखों यानी 1.5 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट नहीं जाने वाली, सालों साल आपकी क्लच प्लेट चलेगी। तो भाई उसका कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ। भाई जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे कि अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी भाई, और जैसे ही हम गियर डालेंगे तो हमें अपना क्लच प्लेट क्लच से पैर हटा देना। देखिए ये देखिए, ये देखिए क्लच हटा लेना। तो इससे मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों का क्या आदत होता है, लोगों का आदत होता है कि वो गाड़ी के क्लच पे ही पैर रखे रहते हैं, तो भाई वो तरीका सही नहीं है। गाड़ी का क्लच हटा दिया और वो ऐसे पैर रखे रहते हैं, जैसे ये देखो ऐसे वो पैर ऐसे रखे रहेंगे, तो भाई इससे क्या है ना कहीं क्लच आपका दबता है, ठीक है, तो आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है। एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है भाई, जैसे तो दूसरा तरीका ये होता है भाई, जैसे मान लो गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी और हमारी अब गाड़ी चल रही है, हमारी अब गाड़ी चल रही है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी हमारी चल रही है, और लोग अपने गियर लीवर को ही अपना आर्म रेस्ट समझ लेते हैं और इसी पे मतलब अपना हाथ ऐसे टिका के रखे रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं गियर प्रेस होता रहता है और इससे आपके क्लच प्लेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हाँ, इससे एक चीज और होती है, इससे आपके जैसे आप क्लच रखे रहते हैं और ये गियर पकड़े रहते हैं, इससे आपके एवरेज पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है भाई, अपनी गाड़ी ड्राइविंग चलाते हैं तभी आप एक अच्छे बहुत अच्छे ड्राइवर माने जाओगे, कि आप टाटा नैनो के क्लच प्लेट भी आप बचा पाओगे, अपना एवरेज भी बचा पाओगे और एक अपने अच्छे ड्राइवर कहलाओगे। तो दोस्तों ये तो थे अपने क्लच प्लेट के बारे में जानकारी।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करो, अपने भाई को लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ अगर पुराने हो तो भाई वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, अगर नए हो तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना भाई। आपको इस तरीके के चैनल पे हमारे वीडियो मिलते रहेंगे, और भाई सभी भाइयों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, जो आप इतना में प्यार देते हो भाई, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो अपने भाई के चैनल पे, भाई जल्दी ग्रो हो जाएगा। एक ऐसे अच्छे अच्छे रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा, और आने वाले समय में अपनी टाटा नैनो पे टाटा नैनो के रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो दोस्तों अपने इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो भाई सभी भाइयों को राम राम सलाम।